तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं झारखंड महादेव मंदिर। आना तो मुझे सुबह था पर लेट हो गए थे, और जब जाते टाइम देखा तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे। तो बस अभी जाएंगे सलार मूवी देखने। बस इसको तो मूवी देखनी है और कुछ नहीं करना, क्योंकि हॉल में बड़ा बड़ा दिखता है ना। हाँ, इसको वही करना है। तो चलो अभी तो जाएंगे घर दर्शन करके, देन भाई हम दोनों नहीं जाएंगे, सिर्फ आप जाओ। अरे तो देखो इतनी भीड़ हो रखी आज यार, के टाइम चला प्रसादी भी हो रही दिखती है आज। कहाँ मिल रहा है प्रसाद? अपन भी ले प्रसाद ले। मम्मी अपने और ब्लॉग डाला क्या? कैसे उनको बीबी कर दो रंग रंग डाला अब से बाप से डालू मम्मी पापा पे डाल दे मेरे मत बनो पापा की बना रही थी काबी कहाँ गया? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कंट भाई साहब, हैप्पी बर्थडे। वापस की लो दादा को तो खिला बुद्धू ले यार रख दो थोड़ा सा ही दे ना दादा को खिला दो लोग दो दो ये बढ़िया था सही कर रहा है जो केक खिला रहे हैं ये पापा के तो नहीं थी ये तो ना लास्ट वाला आपका था टैंक से टैंक ऐसे नहीं दे दो भाई जो जो खिला रहा है वैसे वैसे वो बड़ा आदमी बनना भाई चला ले लो एक बार हाथ से ले लो चलो मम्मी पापा उधर उधर आ रहे उधर मेरे को वो बोला नहीं इन्होंने क्या सोचा बुआ आएगी ना लगा देगी मुंह पे बुआ माँ आती तो लगा देती मुँह में
चलो देखो ये जरूर डालना बर्थडे आएगा ना दीपू साहब जब लगा लगवा लेना दीपू लगवा ले इसका बर्थडे है कपड़ों के नहीं तो बुआ ने लगाया भी नहीं मुंह तो खुद ही धो लेता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ गए थे कबाब एंड करीज डिनर करने के लिए, पतिदेव, कावी, मैं और बाईसा, हम चारों आए थे। और इसके बाद हम जाने वाले हैं मूवी। तो इसे जाना है मूवी और ये चाबी लेके खुद ही जा रहा है। खाना तो आप कहाँ आए थे? तो हम कबाब एंड करीज आए थे क्योंकि पतिदेव को खाना था नॉन वेज और वैसे हमें वेज खाना था। तो आप हम चलते चलते बात करते हैं। तो आपने क्या खाया? हमने खाया पनीर, कौन सा पनीर टिक्का? नहीं, हाँ पनीर टिक्का मसाला और बटर नान। बटर नान ठीक है। और तो, फिश भी, फिश करी इन्होंने खाई तो इन्हें फिश करी अच्छी लगी और बाहर का भी दिखा फिश करी तो दिखाया फिश करी तो इनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी अच्छी लगी और हमें भी वैसे पनीर टिक्का अच्छा था। तो ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, रियल है जो है, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा है, मतलब खाने लायक है, खाने लायक है। अच्छा था मंडी साहब, आपको फिश करी कैसी लगी? ऑनेस्ट रिव्यू है। यस मंडी भाई साहब को नॉनवेज कहीं का भी खिला दो इनको अच्छा ही लगे, अच्छा ही लगने वाला है इनको, इतना तो अच्छा लगे के बारे में इनसे पूछना ही नहीं चाहिए। ये पैक भी करा के लेके बस नाम करना है मैंने नॉनवेज खाना है। तेरो कैसा लगा खाना? अच्छा था। इसे क्या पता, इसने तो सिर्फ फोन देखा है, इसके तो बस मुंह में जा रहा था ठीक है जाने दो जो जा रहा है। खाना अच्छा था, मतलब वेज वालों के लिए भी अच्छा है पर नॉन वेज के लिए तो अच्छा है ही। के लिए ज्यादा वो है, मतलब वेज में वैरायटी इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब कबाब सन करी इसका नाम से ही वही है, वही है ना मतलब मेन। तो ये तो वैशाली वाला है, बहुत सारे है यहाँ पे जयपुर में, बहुत सारे है। ये वैशाली वाला था, वैशाली वाले में आए हम क्योंकि ये हमारे घर के सबसे पास में है और हमको मूवी भी देखने जाना है, मूवी देखने भी जाना है अभी पीवीआर। हाँ तो वो भी पास में, हम पहुंचेंगे टाइम पे या नहीं वो आपको हम देखते भी पता है कि हर ब्लॉग में, मतलब कभी भी हम मूवी देखने जाते हैं तो मेरे पतिदेव लेट करवाते हैं। लास्ट जो मूवी थी हमारी वो एकदम ऑन टाइम थी, फर्स्ट टाइम, और मुझे लग रहा है आज फिर से होने वाला है वो ही चीज कि हम लेट होने वाला है। देखते हैं आज और पतिदेव। देखो 9 बजे का शो है और 8 वो क्या कहते हैं, 9 बजे का शो है, 8:56 हो गए तो यार हाँ। मुश्किल है वैसे तो, मुश्किल है। अब ये आप ये कर लो, जल्दी चला लो। अरे तो बेटा 10 मिनट तो पहले वो मुकेश आएगा, जनगणमन आएगा। जनगणमन कब आता है? आपने पिछली बार भी बोला जनगणमन आएगा, आता ही नहीं है। अपन लेट ही पिछली बार तो, अच्छा पिछली बार अपन एकदम ऑन टाइम था, आपको याद है? अपन कितनी देर बैठे थे, इसीलिए देता हूं। तो जनगणमन कहाँ आया वो पूछ रहे हैं। जनगणमन कब आता है? आप हमेशा बोलते हो जनगणमन आता है, कब आता है? दिखा टमाटर।
मुकेश आता है, मुकेश पे तो वो पूरा है कि वो तो आएगा। जनगणमन भी आता है तो... यार मूवी देखने चल लो पहले फिर कर लेना जो भी घंटा है। आज इसका बर्थडे तो इसकी सुन लो भाई, आज तो सुननी पड़ेगी भाई इसकी। आज सुबह से इसी की सुन रहे हैं, रोज ही सुनते हो तो हर दिन इस... आज तो कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं, हर दिन इसका बर्थडे ही है। तो आ गया पीवीआर और अभी ले रहे हैं पति देव, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक नहीं करवाई थी क्योंकि हमें लग रहा था बहुत ज्यादा लेट होंगे, तो हम घर में नहीं, हमने सोचा था अगर लेट हो गए तो 10 बजे वाले में देखेंगे, तो इसलिए अभी भीड़ वहाँ में बहुत ज्यादा हो रखी है, वो पता नहीं क्या होने वाला है। 9 बजे का शो है, 9:07 हो गए, मतलब अब कुछ भी सर। फ्रेंड्स आ गए अंदर और बड़े ही सीन के बाद में हमें टिकट्स मिल गई है। एक ना हमारे साथ वो हुआ है, बच्चे अलाउड नहीं है, मैं उन्हें अलाउड नहीं है, पर हमें अलाउ कर दिया क्योंकि हमें टिकट्स मिल ही नहीं रही थी डंकी की भी, क्योंकि टाइम निकल गया था और ऐसे आवाज़ कम जा रही है। मेरी बात तो सुन लो, मम्मी ऐसे मुंह बना के खड़ी हो गई, तो फिर उन्होंने सोचा इनको कुछ तो दिखा दे, उन्होंने बोला बच्चे को भी ले जा सकते हो। और फाइनली ये स्वीटी भाभी सा मतलब हमारी डंकी की मूवी छूट गई थी, स्वीटी भाभी सा जान बूझ के दुखी होके उनके सामने गए कि हमें टिकट्स नहीं मिली, उनको दया आ गई, तो उन्होंने कहा ठीक है आप सलार में चल जाओ तुम तो जाओ, पर हम लोग अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग आ गए हैं। हमारा काफी तो वैसे भी सो जाएगा, उसमें तो देखनी है नहीं, उन्होंने मेरे को देख के मना करा, इनको देख के मना किया था, बट ये भी यार बड़े हो चुके हो, अब इतने कोई छोटे नहीं हो, वही तो सब देख सकते हैं। नहीं तो अभी लेते हैं कुछ फोटोज वगैरह, क्योंकि अभी 15 मिनट बाकी है। तो अभी ये दोनों एंजॉय करने वाले हैं सारे ऐड अभी तो ऐड आने वाले हैं ना सारे, वो एंजॉय करो दोनों बैठ के। ऐसा नहीं है मूवी के लिए जल्दी नहीं, लेट ही है पिछली मूवी हाँ, अगर वो वाली देखते तो कैसे होते टाइम पे डंकी के लिए बहुत लेट थे, थोड़ा लेट मतलब 15 मिनट की निकल जाती है ना फिर, मतलब नहीं समझ ही नहीं आता। 8:49 पे अपन आ गए थे, 8:59 सर कि कितने पैसे थे, मतलब झूठ देखो यार, और मतलब कैमरा पे भी झूठ चल रहा है, ये चालू हो गए, पॉपकॉर्न गिर रहे हैं। सो फ्रेंड्स मूवी देख के आ चुके हैं घर पे, और बहुत ही बकवास मूवी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे और भाईसा को, तो कावि को और पतिदेव को तो बहुत अच्छी लगी, पर हम दोनों को बिल्कुल अच्छी लगी, मैं तो सो भी गई थी, इतनी बकवास मूवी थी सलार, बहुत ही बकवास। मुझे ये लग रहा था कि अब समझ आएगी पर समझ ही नहीं आई, इन्हें समझ में आई, समझ नहीं आई मुझे तो, नहीं समझ में आई यार कुछ भी नहीं था उसमें समझने वाला, मतलब मैं ये सोच रही थी अब समझ में आएगी, अब देखूंगी, अब समझ में आएगी, इतना मतलब कंफ्यूजिंग चीज नहीं देख सकते आपका उस टाइम पे जब दिमाग दौड़ाना होता है आप दौड़ा ही नहीं पाते, तो कैसे दौड़ा है समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा था, समझ में आ रहा था मुझे तो कुछ नहीं आया, पता नहीं कावि को और इनको समझ आ गई, मुझे और भाई साहब को समझ आया, मैं तो मतलब फर्स्ट मूवी में सो भी गई वहां पे, पहली बार ऐसा हुआ जब मैं सोई, शार्प माइंडेड लोग हैं उस पिक्चर को समझ सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मुझे ऐसा माइंड चाहिए ही नहीं, मुझे तो लाइफ में ऐसी मूवी देखनी ही नहीं है, इसलिए तो डंकी की मिल जाती ज्यादा फायदे में रहते, तो उसका था तो मैंने सोचा चलो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बट बहुत बोरिंग मूवी थी, बहुत बोरिंग, और अब आ रही है नींद, तो चलो अभी तो करते हैं ब्लॉग का एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज हमारी वीडियोस को बोलो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैडम के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह तो आवर चैनल था हमारा चैनल, अभी मैडम का चैनल हो गया, नींद आ रही है ना कुछ भी बोल सकता हूँ, सही है, चलो बाय बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, बाय बाय।